देवगुरु बृहस्पति भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप की अलौकिक झांकी सजाई गई। श्री देवगुरु बृहस्पति भगवान का हिम श्रृंगार आयोजित हुआ। इस मौके पर देवगुरु बृहस्पति भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप की दिव्य झांकी सजाई गई। सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति भगवान को पंचामृत स्नान 11 ब्राह्मण ने वैदिक मंत्रों द्वारा किया। स्वर्ण मुखौटा व छत्र चांदी के अष्ट धातु के साथ बाबा को पालने पर सपरिवार विराजमान किया गया। मुख्य द्वार को अशोक की पत्ती, कामिनी की पत्ती एवं रंग बिरंगे बर्फ की सिल्ली से प्रांगण को सजाया गया। विद्युत झालर की साथ साथ पूरे प्रांगण को जगमग कर रही थी। मंगला आरती अजय गिरी द्वारा संपन्न कराई गई। अभिषेक गिरी और अभय गिरी द्वारा भोर आरती रुद्राभिषेक के साथ संपन्न किया गया, जिसमें गिरी परिवार द्वारा भोग प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर वाराणसी व उत्तर प्रदेश के कलाकारों द्वारा भजन संध्या आयोजित हुई, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की। इस दौरान देर रात्रि तक बाबा के दर्शन पूजन हेतु भक्तों की भीड़ रही। वे उपस्थित श्रद्धालु भक्ति गीतों के धुन पर झूमते नाचते नजर आए। श्रावण मास में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है देवगुरु बृहस्पति का जो है वार्षिक श्रृंगार का जो है आयोजन किया गया है। अधिक मास लगने के कारण इस बार 8 गुरुवार पड़ गया, जिसमें पहला जो है हरियाली श्रृंगार हुआ, उसके दूसरे गुरुवार को जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। इसी क्रम में जो है हमारा हरियाली श्रृंगार, जल विहार श्रृंगार, फल श्रृंगार और चौथा हमारा अंतिम श्रृंगार श्रावण मास के देवगुरु बृहस्पति का जो है आज बाबा को प्रातः काल जो है वैदिक मंत्रों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक किया गया। नूतन वस्त्र धारण कराया, चांदी छत्र सुवर्ण मुकुट उग्रा धारण कराने के पश्चात जो है बाबा का अद्भुत श्रृंगार अर्धनागेश्वर के स्वरूप में विराजमान किया गया। प्रातः 4 बजे भोर में संतोषगिरी, अभिषेकगिरी, अभयगिरी द्वारा जो है मंगला आरती सम्पन्न कराया गया। उसके तत्पश्चात दर्शनार्थियों के लिए पट खोल गया, जो अभी तक जो है दर्शन कर दर्शनार्थी लाभ के लाभदायक और प्राप्त कर रहे हैं।